नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। जयपुर में सुबह से भारी बरसात हो रही है। तेज बरसात के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब हो गई है, एक फीट तक पानी भरा है। परकोटा में सुभाष चौक से टकसाल जाने वाली रोड पर सड़क की दोनों लेन डूबी हुई नजर आई। सुभाष चौक सर्किल पर भरे पानी में एक स्कूटी बंद पड़ गई, जिसे धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। जोरदार बारिश से द्रव्यवर्ती नदी उफान पर है। महारानी फार्म्स के रास्ते पर बनी पुलिया पर पानी का तेज बहाव है। वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। चाकसू क्षेत्र में बारिश के बाद ढूंढ नदी में पानी का बहाव तेज है। स्टेट हाईवे 2 पर शादेल में ढूंढ नदी की रपट पर पानी के तेज बहाव से बाइक और कार सवार जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। परकोटा में चांदी की टकसाल पर स्थित प्राचीन काल हनुमान मंदिर में पानी भर गया। सेवक मंदिर से पानी निकालने में जुटे हैं। मंदिर के पास सड़क पर गड्ढे के कारण ई रिक्शा पलट गया। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस ने ई रिक्शा को सीधा कराया। जयपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 4.50 इंच से ज्यादा 118 mm बारिश दर्ज की गई है। शहर में सबसे ज्यादा 135 mm बारिश JLN मार्ग पर हुई। वहीं सवाई माधोपुर के बौली उपखंड में हिंदूपुरा गाँव में सोमवार सुबह 3 बजे बांध में मिट्टी की पाल तेज बहाव के कारण टूट गई। वहीं डैम के पाल करीब 3 से 4 फीट टूटने से पानी तेज बहाव के साथ आसपास के इलाकों में पहुंचा और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। पानी भरने के कारण इंदुपुरा और हथडोली पंचायतों के 20 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाली कोली मोहल्ला पुलिया से आवागमन बाधित हो गया है। यहां पानी 6 फीट ऊपर से बह रहा है। बांध का पानी निगोह नदी में जाने से जटावती डिडवानी जोलंदा गांव के जलमग्न होने की आशंका है। इंदुपुरा पंचायत ने यह बांध जल संरक्षण के तहत बनवाया था। राजस्थान में कभी धीरे तो कभी तेज बारिश हो रही है। बरसात अब आफत बन चुकी है। जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर के स्कूलों में आज 12 अगस्त छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। धौलपुर में अगले आदेश तक स्कूलों की जो है छुट्टी कर दी गई है। इस दौरान टीचर को स्कूल आना होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है। इनमें 18 लोगों की डूबने से जान गई है, जबकि मकान गिरने से पिता पुत्र की मौत हुई है।